आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा व्याख्यान का विषय है क्या और कैसे तुलना करें, अर्थात तुलनात्मक राजनीति में तुलना क्या होती है और तुलना कैसी की जानी चाहिए। ये प्रश्न सभी शोधार्थियों, विद्यार्थियों और पाठकों के मन को उद्वेलित करता है कि हमें तुलना क्या करनी चाहिए और क्या तुलना नहीं करनी चाहिए, अथवा हम जो कर रहे हैं वो तुलना है अथवा तुलना ही नहीं है, और यदि हमें ये पता है कि किसकी तुलना करनी है तो यह तुलना कैसे की जाएगी ये भी हमें मालूम होना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास आज हमारे इस चलचित्र व्याख्यान में किया जाएगा। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। तुलना क्या है और तुलना कैसे की जाए, इसका संबंध तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की समस्याओं से है। इसका मतलब तुलना क्या है, व्हाट इज कंपैरिजन, हाउ कंपेयर, तुलना कैसे करें और तुलना क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि तुलना करने में कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, क्या वे कैसे तुलना करें, कुछ आधारभूत की फीचर्स होते हैं जिनके आधार पर हम तुलना क्या करें और तुलना कैसे करें, इन प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या और कैसे तुलना की जाए। एब्स्ट्रैक्शन, प्राकल्पना हमारे पास होती है। हम जो सोचते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, जो कल्पना करते हैं, क्या वास्तव में वैसा हकीकत में होता है या नहीं होता है। इसका मतलब है कि हम ये सोच सकते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं, ये हम स्वप्न देख सकते हैं कि भारत का इतिहास गौरवशाली और प्रशंसनीय रहा है। ये हमारी हाइपोथेसिस हो सकती है, परंतु क्या वास्तव में इसको खोजा जाए तो ऐसा ही है। यह प्राकल्पना को प्राप्त करने का माध्यम है। और यदि ऐसा ही होता है तो क्या भारत के अलावा किसी दूसरे देश, यूनान अथवा स्पार्टा अथवा ब्रिटेन अथवा जापान, क्या उनका इतिहास भी गौरवशाली और प्रशंसनीय रहा है या नहीं रहा है। एब्स्ट्रैक्शन, जो हकीकत में नहीं है और उसको हकीकत में खोजने का प्रयास करना, यह सबसे पहली तुलना करने की और क्या तुलना की जाए इसकी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। दूसरी है अद्वितीय, यूनिकनेस। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं हैं, राजनीतिक परंपराएं हैं, जो शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। परंतु जब हम तुलना करते हैं तब हमें इस बात का मालूम होता है कि वास्तव में ऐसी अद्वितीय विशेषताओं से बहुत से देशों की संस्कृति अथवा राजनीतिक दुनिया भरी पड़ी है। वो बहुत सी मात्राओं में और बहुत सी संख्याओं में उपलब्ध हैं। यह यूनिकनेस हमारी ही विशेषता नहीं है, दूसरे देशों की भी है। विषमता, हम सोच सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता भारत में ही सर्वाधिक है, अन्य देशों में नहीं है। ये अद्वितीय विशेषता है भारत की, यह जरूरी नहीं है। तो ये भी तुलना करने की सबसे बड़ी आधार है कि वास्तव में हम ये तुलना कैसे करें कि क्या हमारे पास यूनिकनेस है अथवा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही गई, क्या भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो जीवो और जीने दो का संदेश देता है, अथवा दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस नीति का सहारा लिया है। बहुत से दुनिया के देशों की ऐसी विशेषताएँ हैं जो वास्तव में यूनिकनेस हैं, वास्तव में अद्वितीय विशेषताएँ हैं। समानता क्या है और नहीं है, क्या हमारे देश के लोगों का चरित्र वैसा ही है जैसा फिनलैंड देश के लोगों का चरित्र है, भारत और ब्रिटेन के लोगों के करैक्टर में क्या समानता पाई जाती है। विदेशी इतिहासकारों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, राजनीतिज्ञों, प्रशासकों और शिक्षकों तथा विकासशील देशों या भारत के ऐसे ही पदाधिकारियों के बीच उनके व्यवहार के बीच समानता है या नहीं है।
स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सार्वजनिक बस में यातायात कर सकता है? क्या भारत का राष्ट्रपति ऐसा करने का साहस कर सकता है या वह ऐसी हिम्मत रखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले बयान, क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले बयानों के अनुकूल हैं, समकक्ष हैं? जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा झूठ बोला जाता है, क्या विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा भी झूठ बोला जाता है? क्या गुमराह करने की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो विकसित देशों में ही है अथवा विकासशील देशों में भी है? तो समानता की सबसे बड़ी समस्या है, समानता क्या है और समानता क्या नहीं है? अमेरिका जो दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो सुपर पावर के रूप में स्थापित देश है, क्या वहाँ इक्वालिटी इस फोरम में दिखाई देती है? अन्य संदर्भों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो क्या रंग भेद, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में बड़ा आंदोलन चलाया, नेल्सन मंडेला जिसको अफ्रीका की गांधी के नाम से जाना जाता है, क्या ऐसा रंग भेद आज भी होता है या नहीं होता है? ये समानता है या नहीं है? अमेरिकी या मूल अमेरिकी निवासियों की नज़र में वाइट स्किन मैन बेटर रेदर देन ब्लैक स्किन मैन? क्या वो काली चमड़ी के लोगों की अपेक्षा अधिक योग्य होते हैं, दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, और क्या वे ब्लैक स्किन के लोगों को पसंद नहीं करते? ब्रिटेन के लोगों के द्वारा पराधीन भारत में ये कहना या होटलों पर ये लाइन लिखवाना कि अमुक होटल या रेस्टोरेंट में भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश निषेध है, काली चमड़ी के लोगों का निषेध है, अथवा ये कहना कि हमें ईसा मसीह ने भारत में वाइट मैन बर्डन को ढोने के लिए भेजा है, ये सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों पर भारत के लोग बोझ हैं जिन्हें वो कल्चर सिखाने आए हैं, सिविलाइजेशन सिखाने आए हैं, सभ्यता सिखाने आए हैं, या उनको वो अच्छा आदमी बनाने आए हैं? सार्वभौमिक आधार और उपकरण तुलना करने का ये सबसे बड़ा आधार है कि क्या यूनिवर्सल बैग्स हमारे पास हैं जिनके आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई यूनिवर्सल नॉर्म्स हैं? क्या ऐसे कोई यूनिवर्सल बिलीव्स हैं? क्या ऐसे कोई यूनिवर्सल एटीट्यूड्स हैं जिनको हम अपरिहार्य रूप से स्वीकार कर सकते हैं? सच है, जैसे कि हम कहें कि टी शर्ट और जींस एक इंटरनेशनल ड्रेस कोड के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, परंतु क्या यह उन खाड़ी देशों में या गल्फ कंट्रीज में भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है? बुर्का पहनना या चेहरे को कवर करना, फेस को ढकना, जैसा कि आप देख रहे हैं इस महामारी में जरूर ऐसा आपको दिखाई दिया होगा, परंतु फ्रांस के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा ये घोषित करना कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी है और काफ़ी $1,000 में जुर्माना भी होगा तथा सजा भी हो सकती है, परंतु क्या ऐसा ही आदेश भारत सरकार या राज्य के द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या ऐसा ही आदेश लिबरल कंट्री ब्रिटेन जारी कर सकता है? तो ये यूनिवर्सल बैस होंगे या नहीं होंगे, ये कंपैरिजन का सबसे बड़ा आधार होता है। कंपैरिजन करने की, तुलना करने की सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आता है इक्विपमेंट टूल्स हमारे पास क्या हैं जिनके आधार पर हम दो देशों की सिमिलरिटीज़ की और डिसिमिलरिटी, समानताओं और असमानताओं की तुलना कर सकें कि उनमें क्या समानताएँ हैं, परंतु क्या एक देश पर जो रूल्स और रेगुलेशन या यूनिवर्सल फॉर्म्स लागू होते हैं सभी जगह लागू होते हैं या नहीं होते हैं? इसके बाद है पारराष्ट्रीय संस्कृति, नेशन टू नेशन, एनी नेशन हैव ए डिफरेंट आइडेंटिटी एंड कल्चर, प्रत्येक राज्य एक भिन्न संस्कृति और सभ्यता का निर्वहन करता है, उसकी भाषा में विभिन्नता होती है, वैरायटी होती है, विविधता होती है। जैसा कि भारत के संदर्भ में कहा जाए कि भारत में दो राज्य जैसा कि केरल और कश्मीर, केरल और कश्मीर इस मात्रा में बहुत दूर हैं या इस संदर्भ में भी बहुत दूर हैं जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटिश लॉक। इसका मतलब है पार राष्ट्रीय संस्कृतियाँ, सब कल्चर भी पाई जाती है, उप जो संस्कृति होती है वो भी हमें दिखाई देती है, विविधता में एकता का जो फार्मूला हम अभिव्यक्त करते हैं
तो पार राष्ट्रीय संस्कृति नेशन टू नेशन इसमें डिफरेंसेज आ जाती है। सामान्यतः जो साइन एक तरह से हम कह सकते हैं साइन लैंग्वेज या जो सांकेतिक भाषा होती है कि वह ओके जिसको कहा जाता है ऑल राइट ठीक है ऐसा सिंबल अमेरिका में या भारत में सही के संदर्भ में हो सकता है, परंतु ब्राजील या अन्य देशों में अश्लीलता का भी सिंबल हो सकता है, नमस्कार करने का अलग सिंबल हो सकता है, अंगूठा दिखाने का अलग सिंबल हो सकता है। नेशन टू नेशन ये डिपेंड करता है कि उस सिंबल का क्या मीनिंग लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंगूठा दिखाने पर खाड़ी देशों में या गल्फ कंट्रीज में जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि वास्तव में ये नेशन टू नेशन वैरायटी और डिफरेंसेस होने से हम कंपैरिजन कैसे करें कि किसी देश में महिला शॉर्ट क्लॉथ्स पहनती है और किसी देश में उसको अपने शरीर को पूरा ढक कर रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम कैसे उन दोनों के बीच कंपैरिजन करें। विश्लेषणात्मक एनालिटिकल जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि विश्लेषण कैसे एनालिसिस किया जाए कि जो यूनिवर्सल नॉर्म्स जब हमारे पास नहीं हो, टूल्स हमारे पास नहीं हो, नेशन टू नेशन कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंसेज होता है तो उनकी एनालिटिकल प्रॉब्लम आती है, विश्लेषणात्मक समस्या आती है। आप जो कंक्लूजन प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं आता है। अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो कंसेप्ट हमने बनाया है क्या वास्तव में वह प्रैक्टिकल दिखाई देता है नहीं देता, वह व्यवहारिक स्वरूप में स्थापित होता है या नहीं होता है। इस अवधारणा इन सब के कारण हमारे सामने इस प्रश्न का जवाब खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि तुलना क्या होती है और तुलना कैसे की जाती है। इसी तरह से हम दूसरे उदाहरण के रूप में सोच सकते हैं कि जैसे क्या और कैसे तुलना करें। तुलनात्मक राजनीति में अगर हम यूनिवर्सल एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट या राज्यों के वर्गीकरण के एग्जाम्पल को आपको समझाना चाहूँगा, जिसे आप आसानी से इस डायग्राम में देख सकते हो। राज्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, किस तरह से राज्यों के वर्गीकरण। सबसे पहले हम प्लेटो से इस बात की शुरुआत करते हैं सामान्य संदर्भ में कि प्लेटो के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो के अनुसार, और हम कह सकते फादर्स ऑफ फिलोसॉफी राजनीतिक दर्शन के पितामह प्लेटो का ये मानना है कि पांच तरह की राजनीतिक प्रणालियां होती हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वी कैन डिवाइड इन फाइव पार्ट्स। हम राज्यों के वर्गीकरण को पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं। वह राजतंत्र हो सकता है, मोनार्की हो सकता है, वह कीर्ति तंत्र हो सकता है, वह वर्ग तंत्र हो सकता है, वह कुलीन तंत्र हो सकता है, वह बहुल तंत्र हो सकता है। इसका मतलब है कि वास्तव में प्लेटो के द्वारा जो डिवीजन किया गया उसका अलग बेस होता है। वह नॉर्मली मोनार्की को लाइक करता है और एक अच्छे राजा या आपने जैसा पढ़ा है कि वह आदर्श आइडियल स्टेट की बात करता है। पॉलीबियस यूनानी विचारक पॉलीबियस के अनुसार शासन की प्रणालियों को हम तीन प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। वह कुछ लोगों का शासन होगा, एक व्यक्ति का शासन होगा, बहुत से लोगों का शासन हो सकता है, अच्छे और बुरे स्वरूप में। अरिस्टोटल जिसको पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, कंपेरेटिव मेथड का यूज करते हुए, अथवा हम कह सकते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के फादर के रूप में अरिस्टो के द्वारा या पॉलिटिकल साइंस के पितामह के रूप में अरिस्टो के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण पहली बार वैज्ञानिक संदर्भ में किया गया। इसको सिक्स टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। हेक्टोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स या षडमुखी वर्गीकरण, अरस्तु का ये मानना है कि दो बेस होने चाहिए। नंबर वन, नंबर्स ऑफ रूलर, शासकों की संख्या क्या होती है। सेकेंड इज एम्स ऑफ रूलर, शासक का उद्देश्य क्या होता है। यदि शासक की संख्या एक होती है और शासक जनहित में कार्य करता है तो वह मोनार्की के नाम से जाना जाता है, और अगर वह सेल्फ इंटरेस्ट में कार्य करता है तो उसको टायरनी अथवा निरंकुश तंत्र के नाम से जाना जाएगा। शासकों की संख्या फ्यू कुछ होती है, सीमित संख्या में होती है, अच्छे स्वरूप में वह कुलीन तंत्र होगा और ओलिगार्की तथा बुरे स्वरूप में वह वर्ग तंत्र होगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर बहुत से लोग शासन करते हैं तो वह अच्छे स्वरूप में पॉलिटी होगा,
बहुल तंत्र होगा, और बुरे स्वरूप में वह डेमोक्रेसी होगा, भीड़ तंत्र, जिसको हम लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। इसका मतलब अरिस्टोटल का उस समय डेमोक्रेसी का मीनिंग आज के डेमोक्रेसी से नहीं है, उसका ये कहना राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र, एरिस्टोक्रेसी और ओलीगार्की, इट मीन्स मोनार्की, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलीगार्की, देन पॉलिटी एंड देन डेमोक्रेसी। सो सिक्स टाइप्स एंड सिक्स काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के छह वर्गीकरण साइकिल के पहिए की तरह घूम रहे हैं, निरंतर चलते रहते हैं। देन मेक्यावली का ये कहना है कि शासन के दो प्रकार होते हैं। शासन के प्रकार इस बात पर डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे कि लोगों का करैक्टर कैसा है। इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट डिपेंड्स अपॉन करैक्टर ऑफ सिटीजन, नागरिकों के चरित्र से ये तय होगा कि राज्य या शासन का प्रकार क्या होगा। यदि लोग अच्छे हैं, उनका करैक्टर, गुड करैक्टर को होल्ड करते हैं, तो वहाँ रिपब्लिक होगा, और यदि लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं, धोखा देते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, स्वभाव से वो चालाक होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, कायर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए, जैसे मेक्यावेली ने मानव स्वभाव की व्याख्या की है, ऐसे लोगों के लिए टायरनी, हम कह सकते हैं निरंकुश राजा की आवश्यकता होती है। जो गांव में ऐसी कहावत है कि ऐसे बातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एग्जैक्ट ऐसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या माइट इज राइट की स्थिति होती, बिना लकड़ी के, बिना डंडे के इन लोगों को सुधारना संभव नहीं है। इसलिए मैक्यावेली ने यह कहा है कि लोग अगर अच्छे हैं तो शासन का स्वरूप भी अच्छा होगा, और यदि लोग बुरे हैं, उनका करैक्टर लेस हैं, तो उनको सुधारने के लिए राजा को एक डिक्टेटर के रूप में कार्य करना होगा। और उसने ऐसे ही राजा की नरासों के रूप में परिकल्पना की है, जिसका शरीर घोड़े का होगा और मुख आदमी का होगा, और ऐसा उसने कहा भी है संदर्भ में कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहसी होना चाहिए, ताकि धोखेबाज लोगों को पहचान सके और कायर लोगों को डरा सके। अकॉर्डिंग टू होब्स, समझौतावादी विचारक होब्स, जो मेक्यावेली के मानव स्वभाव का समर्थन करते हैं, उसके अनुसार शासन के तीन स्वरूप होते हैं। इसी तरह जॉन लॉक ने भी शासन के तीन स्वरूपों की व्याख्या की है। मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ राज्य की पावर को कंट्रोल करने के लिए और सिक्योरिटी ऑफ मैन, या राज्य व्यक्ति की सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए ट्रायंगल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का डिस्क को डिफाइन किया है कि वे राज्य की शक्तियों को विभाजित किया जाए, प्रभुसत्ता को विभाजित किया जाए, और रूसो के अनुसार वे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक है, और उसने होब्स से भी ज़्यादा निरंकुश राजतंत्र का भी समर्थन किया है। इसका मतलब है कि क्या राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में जो इन राजनीतिक चिंतकों का विचार है, क्या हमें ऐसा लगता है कि ये तुलना करने के लिए सही है, अथवा क्या हम इनकी तुलना कर सकते हैं, और अगर तुलना करें तो कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा इस प्रश्न को प्रश्न के संदर्भ में व्यक्त कर रहा। दूसरा है कि राज्यों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए, क्या हम शासकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर सो रूलर्स, क्या हम इस आधार पर वर्गीकरण करें कि वो जनहित में कार्य करता है अथवा सेल्फ इंटरेस्ट में कार्य करता है। क्या वर्गीकरण का ये आधार रखा जाए कि राजा का चयन कैसे होता है, संवैधानिक राजतंत्र होता है, या वह निरंकुश राजतंत्र होता है, या वह जनतंत्र होता है, या वह एक तरह से मनोनीत प्रणाली होती है। आर्थिक आधार पर किया जाए, क्या वह पूंजीवाद का समर्थन करता है, क्या वह समाजवाद का समर्थन करता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है। अंगों की संबद्धता, शासन की जो पार्ट्स होते हैं या ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, क्या उनकी रिलेशनशिप के आधार पर हम उसका डिवीज़न कर सकते हैं कि वह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा, प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट होगा, या सेमी प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट होगी। डिवीजन ऑफ पावर्स के हिसाब से कि क्या वह फेडरल गवर्नमेंट होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, या सेमी फेडरल गवर्नमेंट होगी, अथवा एक तरह से परिसंघात्मक व्यवस्था होगी। क्या इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार के रूप में, राष्ट्रीय सरकार के रूप में, क्षेत्रीय सरकार के रूप में, और स्थानीय सरकार के रूप में। इसका मतलब है कि तुलना क्या होनी चाहिए और तुलना कैसे होनी चाहिए, ये एक बड़ा ही प्रश्न शोधार्थियों के मन में उत्पन्न होता है। यह तुलनात्मक राजनीति में क्या और कैसे तुलना करें, इस प्रश्न को और गंभीर बनाता है। इसी तरह राज्य के बारे में कि राज्य क्या है,
वे प्राचीन संदर्भ में सिटी स्टेट से लेकर मॉडर्नेशन स्टेट तक एक अलग संदर्भ है। वीवर के अनुसार स्टेट की अलग डेफिनेशन से ईस्टर्न इस स्टेट को पॉलिटिकल सिस्टम टर्मिनोलॉजी में चेंज कर देता है। आमंड के अनुसार यह है बेसिकली ईस्टर्न से अलग और इनपुट आउटपुट के रूप में 4 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स के रूप में 7 जो बेसिक कार्य होते हैं न केवल औपचारिक संरचनाएँ और कार्य अपितु अनौपचारिक संरचनाओं और कार्यों पर आमंड ने अधिक बल दिया है। इसी तरह ऐसी फाइनर ने भी 4 या चौखंबे सिद्धांत के रूप में चतुर्थ आधार के रूप में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की क्या और कैसे तुलना की जाए प्रश्नों को के उत्तर खोजने का प्रयास किया है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं क्या और कैसे तुलना करें, समस्या क्या है। वास्तव में हम एक कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसको स्टडी मटेरियल को लेकर और स्टडी मटेरियल की टेक्निक्स को लेकर क्या समस्या है, जैसे कि भारत और ब्राज़ील के संदर्भ में हम तुलना करें, ये तुलना का आधार हो सकता है कि दो कंट्रीज़ के बीच हम कंपेरिजन कर रहे हैं। भारत और ब्राज़ील दोनों ही फेडरल हैं, संघात्मक हैं, दोनों ही डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं और दोनों में ही विजातीय जनसंख्या का समूह हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या डेनमार्क और जापान के बीच भी ऐसी ही तुलना हो सकती है? संभव नहीं है। क्या घाना, नाइजीरिया और पाकिस्तान के बीच भी ऐसी तुलना हो सकती है? ये सभी देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनी रहे हैं। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है यूनिवर्सल कंपैरिजन के लिए कि जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हुए हैं उन देशों में डेमोक्रेसी डेवलप होगा, क्योंकि ब्रिटेन लोकतंत्र की जन्मस्थली है, ब्रिटेन कल्याणकारी राज्य की जन्मस्थली है। यदि ऐसा है तो भारत, ब्राज़ील, डेनमार्क, जापान, घाना, नाइजीरिया और पाकिस्तान सब में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सब में नेशनलिज्म होना चाहिए और सब में डेमोक्रेसी होना चाहिए, परंतु ऐसा कदापि नहीं है। तो इसलिए तुलना हम कैसे करें, ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। ये प्रश्न वास्तव में किसको अभिव्यक्त करता है, ये तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं को अभिव्यक्त करता है। इसका आधार कि तुलनात्मक राजनीति की मुख्य समस्याएं क्या हैं, ये समस्याएं क्या और क्यों प्रश्नों का उत्तर देती हैं, और इन समस्याओं का अगर हम उत्तर खोज लेते हैं, समाधान निकाल लेते हैं, तो यही हमारे उस प्रत्येक शोधार्थी के मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न का जवाब होगा। सबसे पहले विश्लेषणात्मक और अनुभवात्मक अनुसंधान की समस्या। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्टडी मटेरियल है, बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान के साथ अध्ययन और अध्यापन से जुड़ा हुआ विषय रहा है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह समाज विज्ञान से भिन्न एक नवोदित विषय के रूप में स्थापित हुआ या विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में तुलनात्मक राजनीति इसके एक सब डिसिप्लिन या उप अनुशासन या उप शाखा के रूप में स्थापित हुआ। तो बेसिकली इनका नेचर एक जैसा ही है। समाज इसकी यूनिवर्सल लैब होती है, वैश्विक प्रयोगशाला है। जो कुछ है हमारे पास समाज में है, इसलिए इसकी विषय वस्तु हम लोगों से जुड़ी हुई है और हमारा स्वभाव कैसा है ये मैं और आप बहुत भली भांति जानते हैं। हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे डिसीजन के बारे में, हमारे निर्णय के बारे में विश्लेषण करना आसान नहीं है, और यह विश्लेषण एम्पेरिकल नहीं होता है, अनुभवात्मक अनुसंधान नहीं होता है। आप किसी शिक्षक से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक शिक्षक से बातचीत करना आपको अच्छा लगता हो। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक शिक्षक से मिलेगा, बातचीत करेगा, सभी विद्यार्थियों को एक जैसा अनुभव होगा, ये किसी भी कीमत पर सत्य नहीं है। इसका आप विश्लेषण कर पाओगे ये संभव नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि तुलनात्मक राजनीति में हम विश्लेषण कैसे करें कि जो दो देश हैं वो डेमोक्रेटिक हैं परंतु वो फेडरल हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कदापि अनिवार्य नहीं है। जो दो देश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को होल्ड करते हो वह वास्तव में रिपब्लिक हो, ये कदापि संभव नहीं है। ब्रिटेन और भारत दोनों ही डेमोक्रेटिक हैं परंतु ब्रिटेन और भारत दोनों फेडरल नहीं है। ब्रिटेन और भारत इस संदर्भ में कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को होल्ड करता है और भारत एक रिपब्लिक स्टेट है। तो ये एनालिटिकल और एम्पेरिकल जो रिसर्च होता है उसकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण क्या और कैसे की प्रश्न उत्पन्न होते हैं। संरचना के अध्ययन की समस्या।
स्ट्रक्चर प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम का एक अपना स्पेसिफिक और यूनिक स्ट्रक्चर होता है। उस राजनीतिक प्रणाली की संरचना में व्यापक विभिन्नता और असमानताएं पाई जाती हैं। इसके कारण हम कंपैरिजन क्या तो करें और क्या कंपैरिजन नहीं करें, और कंपैरिजन करें तो कैसे करें। दोनों में अलग अलग संदर्भ होता है। कुछ परंपराएं सिमिलरिटी जहां होती हैं कि भारत में भी ऐसे ही ईश्वर के नाम पर या संविधान के नाम पर शपथ ली जाती है और संसद की कार्य प्रणाली शुरू होती है। ब्रिटेन में भी मॉडर्निटी और लिबरिटी होते हुए भी वो प्रार्थना सभा के माध्यम से अपनी पार्लियामेंट की कार्यवाही को शुरू करते हैं, परंतु ये अन्य राजनीतिक प्रणालियों की संरचनाओं में नहीं दिखाई देता। विकसित राजनीतिक प्रणालियों के स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल एक्टर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, परंतु विकासशील समाजों में राजनीतिक समस्याओं के लिए या सार्वजनिक समस्याओं के निदान के लिए लोगों के पास समय नहीं होता है। ग्राम सभा का मैंने आपको अच्छा एग्जाम्पल दिया था। ये अंतर क्यों है कि स्विट्जरलैंड के लोग सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करने के लिए समय रखते हैं और वो समय निकालकर सार्वजनिक सभा में शामिल होते हैं, परंतु भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने के बाद भी लोग शामिल क्यों नहीं होते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन सिटीजन कैरेक्टर। ये भारत के लोगों के चरित्र की निम्न स्तर पर निर्भर करता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, और ये उन लोगों के उच्च चरित्र पर निर्भर करता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कौन देश श्रेष्ठ है या नहीं, या भारत अच्छा है नहीं है बुरा है, परंतु वास्तव में बार बार ये कहना कि जो लोग भारत में नहीं रह सकते उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्या उनको ब्रिटेन नहीं चले जाना चाहिए, क्या उनको फिनलैंड नहीं चले जाना चाहिए, क्या उनको स्विट्जरलैंड नहीं चले जाना चाहिए, पाकिस्तान ही क्यों चले जाना चाहिए। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, परंतु पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बेसिकली उस देश के सिटीजन की करेक्टर्स की प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो क्रिएट करते हैं। पूरी दुनिया के देशों में ही कक्षाओं में अध्यापन कराने के लिए रोम्स होते होंगे, टेक्नोलॉजी होती होंगी, टीचर्स भी होते होंगे, परंतु उनमें विभिन्नताएं क्यों हैं, उनमें समानताएं क्यों नहीं हैं, उनमें असमानताएं क्यों हैं कि जर्मनी में एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, या फिनलैंड में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय या पेशा है, जॉब है, परंतु भारत में यह है एक तरह से कहा जा सकता है जो कुछ नहीं कर सकता ऐसे नालायक लोगों का पेशा है, जबकि सिविल सर्विसेज को बेटर माना जाता है। यद्यपि विकासशील देशों में ये मूर्खता का सबसे बड़ा आधार है, परंतु हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर होती है, ये लोगों का चरित्र तय करता है कि राजनीतिक प्रणाली की संरचना कैसी होगी। और डेवलपिंग सोसाइटीज़ में सोशल स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए समस्या लोगों की पीने के पानी की समस्या है, अच्छे या स्वस्थ भोजन की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आवास की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। तो लोग किस तरह से अपने करेक्टर को डेवलप कर पाए, लाइफ स्टैंडर्ड उनका है बहुत ही लो लेवल का है, और इसलिए हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फिनलैंड या ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड या जर्मनी जैसे देशों के लोगों की तरह चिंतन रखते हो, सोचते हो, क्योंकि जैसा नेहरू ने भी अनेक बार कहा, भूखे और नंगे लोगों के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता है, ये वास्तविकता है। अंतः संबंध उपागम की समस्या, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। डेवलपिंग सोसाइटीज़ में सभी अपने अपने आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए हमें दूसरों का सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन विकासशील समाजों में सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, झूठी पहचान को स्थापित करने के लिए सहायता नहीं ली जाती। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ हमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नीति शास्त्र और अन्य जो विषय उनकी सहायता ली जानी चाहिए, ताकि हम एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को क्रिएट करके समस्याओं को समझ सकें। क्योंकि हमें व्यक्ति का अध्ययन करना है, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करना है, तो लोग रूल ऑफ लॉ के रूप में कि ब्रिटेन के लोग कानून के शासन का सम्मान क्यों करते हैं और भारत के लोग क्यों नहीं करते हैं। ये समस्या कानून की नहीं है, ये समस्या लोगों की है कि ब्रिटेन में हेलमेट लगाने का मतलब, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का मतलब उनके करैक्टर में ये है, स्थापित है, परंतु यहाँ पुलिस से बचने के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाए।
पुलिस वाला नहीं हो तो ट्रैफिक रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब पर लागू हो रहा है, ऐसा उनके जीन में ही नहीं है। जैसा कहा जाता, कलाम साहब ने भी कहा, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी परिवार से शुरू होती है, खून से शुरू होती है। सबसे पहले अपने बच्चों को अपने परिवार में झूठ नहीं बोलना, रिश्वत नहीं लेना, ईमानदारी को स्थापित करना चाहिए। आप ऐसा करते नहीं, विकासशील देशों के समाजों में ऐसा होता नहीं, इसलिए उन देशों के लोगों का करैक्टर विकसित नहीं हो सकता, या करैक्टर लेस ज़्यादा लोग रहते हैं संख्या में। पार राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की समस्या, नेशन टू नेशन जो डिफरेंसेस होते हैं, कल्चर से लेकर सिविलाइजेशन तक, संस्कृति से लेकर सभ्यता तक, बातचीत तक, इनमें अंतर पाया जाता है। इसलिए तुलना कैसे की जाए, एक बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। विकासशील देशों के अध्ययन की समस्या, ये केवल विकसित और विकसित देशों के बीच अध्ययन किया जाए तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं, परंतु विकासशील देशों की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर बहुत तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। स्विट्जरलैंड के किसी नागरिक को पीने के पानी की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी, आवास की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी, सैनिटेशन की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति या डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष को ये नहीं कहना पड़ेगा कि भारत हमारे देश में सबके घर में शौचालय होगा, ये भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि विकासशील देशों की समस्याएं अभी भी निम्न स्तर से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई हैं, जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मैजिक, जादू टोना, ये जो जुड़ी हुई है, इसका मतलब है कि वास्तव में विकासशील देशों के लोग विकास की ओर अग्रसर नहीं हैं। उनके जीवन में वैज्ञानिकता या जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही गई, उनको स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। अभी भी वो कोई कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें मानवीय शोषण का निर्वहन नहीं होता। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु के संस्कार तक, बच्चे के नामकरण से लेकर मकान बनाने तक, विवाह उत्सव तक, कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य वो नहीं कर सकते। अधिसंख्या में, कुछ लोगों की बात मैं नहीं कह रहा, अधिसंख्या में जो लोग ऐसे शोषणकारी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, उन देशों की जब हम बात करते हैं, उन देशों के स्टडी मटेरियल की हम जब बात करते हैं, उनकी तुलना दूसरे देश से करते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि तुलना क्या करें और क्या नहीं करें, और तुलना करें तो कैसे करें। जैसे कि राजनीतिक स्वाधीनता के सेनानी के रूप में महात्मा गांधी को भारत में बहुत प्रसिद्धि मिली और मिलती रहेगी, परंतु वास्तव में जो स्वाधीनता सेनानी था उसका नाम तो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय को कम तवज्जो दी गई है बजाय महात्मा गांधी की, ऐसा क्यों है? क्योंकि विकासशील देशों के लोगों को बहुत बड़ी समस्या है राजा राम मोहन राय से, परंतु महात्मा गांधी से नहीं है। आप इस बात को अपने ऊपर विचार करके समझ सकते हैं कि आखिर राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को पढ़ने के लिए जो अधिकार दिलाया, जो उत्तराधिकार दिलाया, सती प्रथा को जो बंद किया, मूर्ति पूजा और तमाम तरह की बुराइयों का जो प्रतिरोध किया, क्या वास्तव में वो मानवता का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी में कंपेरिजन किस तरह से किया जाए, लेकिन जिसको आप फादर ऑफ मॉडर्निटी कहते हो, जिसको आप मॉर्निंग स्टार कहते हो, उसके रूल्स को फॉलो करने में आपको समस्या है, परंतु महात्मा गांधी के रूल्स को फॉलो करने में या दिखावा करने में आपको समस्या नहीं है। हालांकि ये भी सत्य है कि महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों को भी कहने के लिए लोग अनुपालन करते हैं, व्यवहार में ऐसे गांधीवादी विचारक 100-500 रुपये के लिए लड़ते और झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो विकासशील देशों की समस्या अभी भी निम्न स्तर से जुड़ी हुई है, सामाजिक संरचना के लो लेवल से जुड़ी हुई है, आर्थिक संरचना का निम्न स्तर बना हुआ है, वहाँ पर अभी भी सड़क की समस्या है, पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, संचार की समस्या है। ऐसी समस्याएं आर्थिक और सामाजिक संरचना के पिछड़ेपन को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है, तुलनात्मक राजनीति में तुलना क्या करें और क्या नहीं करें, और तुलनात्मक राजनीति में तुलना कैसे की जाए। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।